सो गाइज आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम सीखने वाले हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होता है? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी आप काम कर सकते हैं पूरे दिन, जो भी आप करते हैं डेली, कर सकते नहीं सॉरी, जो भी आप काम सुबह उठने से लेकर सोने तक करते हैं वो सभी गाइज डेली रूटीन में आपके आते हैं, दिनचर्या जो आपकी होती है। तो गाइज इससे मैं देखिए इसमें जो मैंने लिखा है एक एज एन स्टूडेंट के हिसाब से लिखा है मैंने, एज ए स्टूडेंट कोई होगा तो उसे उसके हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इसमें वो भी बताता रहूँगा, सपोज़ आप कोई घर का काम करने वाले हैं, घर का काम करते हैं, घर पर रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। और कोई जॉब पर्सन है, जॉब करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा किस तरीके से बोला जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो शुरू में देखिए गाइस हम क्या करेंगे, अब क्या हमें क्या करना है इसमें, सभी सेंटेंस में आई बोलना है और आई के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा देना, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूँ, आई गो। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैंने कहा मैं वीडियो देखता हूँ, आई वॉच वीडियोस। ऐसे करके कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस आई लगाना होता है और फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं बस, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लिखा है आई गेट अप अराउंड, गेट अप का मतलब गाइज होता है उठना। उठने से स्टार्ट करेंगे, आई गेट अप अराउंड, गाइज हम सिक्स कभी नहीं उठते, तो 6 बजे के आसपास मैंने लिखा है आई गेट अप अराउंड 6 o'clock। एंड फर्स्टली सबसे पहले आई चेक टाइम एंड माई व्हाट्सएप मैसेजेस इन माई मोबाइल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइम चेक करता हूँ, और दूसरा अपने व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो मैं चेक करता हूँ किसमें, अपने मोबाइल में, राइट। देन का मतलब गाइस क्या होता है, तब। क्या देखिए कोई भी हम सेंटेंस बोलेंगे उसके लिए कनेक्टिंग वर्ड्स चाहिए, तो कनेक्टिंग वर्ड्स क्या हैं इसमें, एक तो देन होगा गाइस, देन का मतलब होता है तब। फिर दूसरा गाइस आफ्टर डैट, आफ्टर डैट का मतलब गाइस होता है उसके बाद। तो गाइस कभी हमें देन का यूज करना है, कभी हमें आफ्टर डैट का यूज करना है, ताकि गाइस ऐसा ना लगे बच्चों की तरह के आई गेट अप अराउंड 6 o'clock, आफ्टर डैट आई गेट फ्रेश, आफ्टर डैट आई टेक अ बाथ, आफ्टर डैट आई टेक माय ब्रेकफास्ट, आफ्टर डैट आई गो टू स्कूल, आफ्टर डैट। ऐसे नहीं बोलना होता, कभी देन लगाया कभी आफ्टर डेट लगाया, ताकि सामने वाले को सुनने वाले को ऐसा लगे कि आपको थोड़ी इंग्लिश आती है और आप सेंसिबल तरीके से आप समझ कर बोल रहे हैं, कोई रटा हुआ नहीं बोल रहे, ठीक है। कहाँ तक आ गए थे, देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ, देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड गेट फ्रेश, और फ्रेश हो जाता हूँ। एंड आफ्टर डैट यानी उसके बाद आई टेक अ बाथ, टेक अ बाथ का मतलब गाइस होता है नहाना, उसके बाद मैं नहाता हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ, देखिए गाइस इस चीज़ का और ध्यान रखना, कभी देन कभी आफ्टर डैट। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम पिछला सेंटेंस यूज करते हैं, ये लिखा है आई टेक अ बाथ, ये यहाँ तक लिखा आई टेक अ बाथ, ये सेंटेंस हो गया, फिर एंड करके खाली अगर मैं आफ्टर लगाता हूँ, ये तो था गाइस आपका आफ्टर डैट, लेकिन खाली अगर मैं आफ्टर लगाता हूँ और पिछला सेंटेंस यूज़ करता हूँ, तो ध्यान रखना गाइस इसमें हमेशा आईएनजी आएगा, जो आफ्टर के बाद कोई भी एक्शन आया, ये रूल होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है, स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, 8 to 10 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद अगर कभी भी कोई वर्ब आई यानी एक्शन आया उसमें आईएनजी ही लगता है। तो देखिए गाइस कैसे रिपीट करेंगे, लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट करते हैं, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ, और आफ्टर टेकिंग अ बाथ यानी नहाने के बाद, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ नहाने के बाद, ऐसा करके हम बोलते हैं ना, तो ये है वो आई टेक अ बाथ। एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई टेक माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्या करता हूँ मैं अपना नाश्ता करता हूँ। एंड देन और तब आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ फॉर माई कॉलेज, कोचिंग या जॉब, जिसके लिए भी आप जाना चाहते हैं। आई गेट रेडी, मैं गेट रेडी यानी तैयार होता हूँ। एंड विद इन 30 minutes आई रीच, सॉरी फर्स्ट होम होगी, गलती से लग गया ये, आई रीच विद इन 30 minutes आई रीच टू माई कॉलेज या जॉब या जहाँ भी आप पहुँचते हैं। कॉलेज फर्स्टली आई अटेंड माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड आफ्टर डैट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। आपका जो भी होगा हिंदी मैथ इंग्लिश जो भी है उस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर 1 o'clock 1 बजे के बाद आई गेट बैक, गेट बैक यानी वापस आना, आई गेट बैक टू माई होम, मैं अपने घर वापस आता हूँ। एंड देन एंड लगेगा यहाँ पर, एंड देन फर्स्टली एंड देन तब फर्स्टली आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने
हाथ क्या धोता हूँ, वॉश माई हैंड्स एंड टेक माई लंच, उसके बाद मैं लंच करता हूँ। फिर देखिए अगर मुझे रिपीट करना है तो खाली मैं एंड के बाद आफ्टर लगाऊंगा और आफ्टर के बाद हमेशा आईएनजी होता है, एंड आफ्टर टेकिंग माई लंच, यानी आफ्टर टेकिंग माई लंच रिपीट किया मैंने लास्ट सेंटेंस, तो उसमें आफ्टर के बाद आईएनजी होता है। आफ्टर टेकिंग माई लंच आई टेक सीएस्टा, सीएस्टा गाइस क्या होता है, दोपहर की नींद, फॉर वन आवर, वन आवर हो गया यहाँ पर, फॉर वन आवर यानी एक घंटे के लिए मैं अपना सीएस्टा लेता हूँ, दोपहर की नींद लेता हूँ, या वन एंड हाफ आवर लिखा है, यानी डेढ़ घंटे के लिए मैं अपनी जो है दोपहर की नींद ले लेता हूँ। एंड अराउंड 4 o'clock, 4 बजे के बाद, अराउंड 4 o'clock यानी 4 बजे के आसपास आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, एंड समटाइम्स आई यूज़ मोबाइल, और कभी कभी मैं मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ। एंड आफ्टर डैट, उसके बाद आई डू प्रैक्टिस फॉर माई क्लास वर्क, इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, या होमवर्क वगैरह जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। आफ्टर 5 o'clock, देखिए गाइस मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखा है, तो गाइस ब्रैकेट में मैंने वो लिखा है जो गाइस जो ये काम करते हैं वही बोलेगा। देखिए क्या क्या लिखा है, आफ्टर 5 o'clock, मैं 5 बजे के बाद आई डू अप द रूम, डू अप यानी कमरा संवारना, जो सामान इधर उधर फैला होता है कमरे में उसे बोलते हैं डू अप द रूम, आई डू अप द रूम। एंड आफ्टर डैट आई स्वीप द फ्लोर, उसके बाद में झाड़ू लगाता हूँ या लगाती हूँ जो भी आप में से होगा। एंड देन आई मॉप द फ्लोर, उसके बाद में पोछा लगाता हूँ या लगाती हूँ। एंड आफ्टर डैट, उसके बाद आई वॉश द क्लॉथ्स, वॉश क्लॉथ्स, देन रिंग निचोड़ना, देन एयर द क्लोथ्स, उसके बाद में कपड़े मतलब धोना, निचोड़ना, सुखाना होता है। आफ्टर डैट, उसके बाद आई कट द वेजिटेबल्स, सब्जी काटता हूँ या काटती हूँ। एंड देन प्रिपेयर डिनर फॉर माई फैमिली, उसके बाद क्या अपनी फैमिली का डिनर बनाते हैं, यानी जो ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर किसी पर ये काम करना नहीं आता, जो ये काम करता है ओनली वो इसे बोलेगा, लड़का हो या लड़के जो ये काम करता है। आफ्टर डैट, उसके बाद आई टेक डिनर, मैं डिनर लेता हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग डिनर आई गो फॉर इवनिंग वॉक, फिर मैं इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ। एंड विद इन 1 hour आई गेट बैक टू माई होम, मैं फिर अपने घर आ जाता हूँ 1 घंटे के अंदर। देन आई यूज़ व्हाट्सएप, कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ, समटाइम्स आई यूज़ व्हाट्सएप, समटाइम्स आई यूज़ फेसबुक, समटाइम्स आई यूज़ इंस्टाग्राम, एंड समटाइम्स आई वॉच टीवी, कभी कभी मैं टीवी देख लेता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा बोलते हैं, इत्यादि करके बोलते हैं। एंड अराउंड 11 o'clock, अराउंड 11 o'clock आई गो टू बेड। सो गाइज ये था आपका डेली रूटीन, आप अपना डेली रूटीन इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने क्लासेस बोली हैं वहाँ पर जस्ट आपको क्या ऐड करना है, सपोज आप जॉब पर जाने वाले बंदे हैं और आप क्या है, आप बोलेंगे आई गो टू माई ऑफिस, देन आई हैंडल गेस्ट कस्टमर, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। एंड आई मैनेज माई ऑल फाइल्स, आई अटेंड कॉल्स, जो भी आप करते हैं वो आप बोलें उसमें, बस वो ऐड करना है, वरना और सभी का मोस्टली जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में वो सेम सही होता है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, राइट। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस इसका। सो गाइस कैसे लगी ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।